आज मैं 2 महीने बाद आए हैं। बाबा को मैं खिलाते पिलाते रहते थे। देखिए ये बाबा आज बेहोश पड़े हुए हैं। देखो बाबा आज बेहोश पड़े हुए हैं और मैं इनको जगाएंगे, फिर इनको हम बिस्कुट खिलाएंगे, चाय पिलाएंगे। ऐसे गरीबों का मैं ज़िंदगी भर भला करते रहेंगे, चाहे मेरे पास पैसे बचे या न बचे। मैं दिन भर के अपनी मजदूरी करके मैं ऐसे संत लोगों को खिलाते हैं। आप लोग देखिए ये कितने बेहोश में पड़े हुए हैं, बुज़ुर्ग हैं, इनके कोई माई बाप नहीं है। तो मैं ऐसे ही रोड़ों पर जाकर इनको जगाकर बिस्कुट खिलाते हैं। भाई लोगों आप देख लीजिए कितने बुज़ुर्ग हैं, ये 100 वर्ष की इनकी उम्र हो गई है और ये ऐसे ही पड़े रहते हैं। आज मैं 2 महीने बाद आए हैं तो मैंने कहा चलो बाबा को देख लें, कुछ खिला पिला दें। तो देखें ये बेहोश पड़े थे, अब देखिए सो रहे हैं, बहुत बेहोश है। गरीबत की हालत में जो चादर पहने हुए हैं ये हम ही ने इनको दी थी, एक जो जैकेट पहने हुए हैं ये भी मैंने ही दी थी। मैं ऐसे ही गरीबों का भला करते हैं। भाई लोग आप हमको भी देखकर कुछ न कुछ ऐसे लोगों के लिए कुछ करते रहो, महान बन जाओगे। मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि जहाँ कोई अपंग मिल जाए, विकलांग मिल जाए, उनकी सदैव सेवा करने की इच्छा जागृत करते रहना। यही परमात्मा का अंश है जो हम में तुम में है, आज इनमें भी है, लेकिन ये कमा नहीं पाते हैं और कुछ कर नहीं पाते हैं। तो ऐसे अनाथ लोगों की सेवा करते रहना, यही हमारा तुम्हारा सौभाग्य है। और मैं देखो बाबा को अब उठाएंगे, देखिए मक्खी कितनी बैठ रही है मुँह पे, देख लीजिए आप, देख लीजिए ये मक्खी कितनी बैठ रही है, आप देख लीजिए, देखो मुँह में जा रही है, देखो ये मुँह में जा रही है मक्खी, देखो उठ रही है। देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बेहोश पड़े हुए हैं, ये देखो बाबा बेहोश पड़े हुए हैं, मक्खियाँ मुँह में जा रही हैं, कितना कितने बुजुर्ग हैं, देखिए मक्खी उठ रही है, देख लीजिए, देखो हैं ये कितने परेशान हैं, बेहोश में पड़े हुए हैं। मैं इनको जगाएंगे, फिर इनको हम बिस्कुट खिलाएंगे, चाय पिलाएंगे और भी हाल इनसे पूछेंगे कि क्या हाल है बाबा, मेरी गलती हुई, मैं 2 महीने बाद आया आपके पास। ऐसे बुज़ुर्गों की सेवा करना ये आप सबका धर्म है, हमारा भी धर्म है, आपका भी धर्म है। मैं किसी भाई जान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे अपंगों की सेवा करना व्यर्थ नहीं जाएगा। अगर आप 3 टाइम खाते हो तो ऐसे अपंग लोगों को 1 टाइम खाना खिला दीजिए, आपकी महान कृपा होगी। भाई लोगों में आपको इनको जगाते हैं, इनका हाथ पकड़ के देखिए कितना सुख, बाबा 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 बिस्कुट खाइए, बहुत परेशान किया, तबीयत नहीं ठीक है बाबा जी, और चाय पियोगे? अच्छे बाबा जी और सब ठीक हो, मेरी गलती हुई गई, मैं 2 महीने बाद आपके पास आए, आप क्षमा करना बाबा जी। और ऐसे ही खाते पीते रहना, और एक दिन कपड़े आपके हम साफ़ कर देंगे, उतार देना, मैं साफ़ करके आपको पिला देंगे, ठीक? हाँ अभी आपको हम चाय भी बना के पिवा रहे हैं, और ये बिस्कुट खाइए, तब तक नाव खोल दें। हाँ हाँ बिस्कुट आप खाइए और आप मस्त रहिए। मैं ऐसे दिन गरीबों का भला करते रहते हैं। देखो तो कितनी मक्खी बैठी हुई हैं, देखिए मक्खी कितनी बाबा के ऊपर बैठी हुई हैं। मैं अपने ही ये भोले शंकर के दुपट्टे से ही मक्खी डुला रहे हैं, आप लोग देख लीजिए। ऐसे गरीबों का भला करिए और बिस्कुट खा ले, हम चाय बनवाए रहेंगे भली। ऐसे भाई आप देखिए, और आप यहाँ बैठ जाइए, ऐसे बैठ छहरीम बैठ जाओ, छहरीम अब छहरीम बैठ जाओ, छहरीम कहाँ भाई, हाँ इनको तोड़िए और खाइए, मैं अभी आपको चाय बना के पिलाएंगे, आप खुश रहिए। ज़िंदगी में कुछ नहीं रखा है, सब यहाँ का यहीं रहेगा, कुछ साथ नहीं ले जाएंगे, आप खाइए बाबा जी, हम मक्खी डुला रहे हैं, आप बिस्कुट खाइए बाबा जी। हे परमपिता परमात्मा सबको सद्बुद्धि देना, गरीबों का भला करना यही संसार में उपकार है, यही सब कुछ है, गरीबों का भला करते रहना मेरे बाबा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बिस्कुट खा लीजिए, फिर अभी आपको हम चाय पिलाएंगे, ठीक? लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना।